गुजारिश यही करूंगा कि दम बहुत है, मुझे जब बात कर रहा हूं तो प्लीज बिजली बंद ना करें, अंधेरा ना हो जाए। मैंने कहा जी हमने तो यही ये इनकार करना और वक्त के यजीद के सामने इनकार करना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई आसान बात नहीं है। इनकार किसका, किसको, किस वक्त, वही बताता है कि हुसैन कौन है। हामिद मीर साहब, मुझे कहा गया है कि वक्त कम है, लेकिन सब आपको सुनना चाहते हैं, आपको भी, फवाद हसन फवाद साहब को भी, तो प्लीज़ आप कुछ कहिए, उसके बाद फिर हमारे आज के जो महफिल की शाम की महफिल है उसके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने कहा वक्त कम है तो मैं गुजारिश ये करूँगा, माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए, गुजारिश यही करूँगा कि दम बहुत है, मुझे जब बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ बिजली बंद ना करें, अंधेरा ना हो जाए। क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ जिस भी सेशन में हम होते हैं और नूरुल हुदा साहब वहाँ पे बिजली चली जाती है, चिरागों में रोशनी नहीं रहती। अच्छा देखें, मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। ये जो किताब है इसका नाम है कुंजे कफस, और अक्सर नौजवान जो हमको पता है कुंजे कफस क्या होता है, कैद खाने का एक कोना। तो साहिब किताब जो हैं वो अब कुंजे कफस में नहीं है, ये रहा हो गए हैं, ये यहीं पे बैठे हुए हैं। सब ने आपको बताया कि ये किताब जो है एक जबर के और हब्स के मौसम में कुंजे कफस में लिखी गई थी। तो फवाद हसन फवाद साहब तो आपके सामने बैठे हैं, ये तो अब कुंजे कफस में नहीं है, लेकिन किताब पढ़ के ये लगता है कि जबर और हब्स का मौसम ख़त्म नहीं हुआ, और जबर भी जारी है और हब्स भी जारी है। ये जो इज्तिमा है, इस इज्तिमा की एक इनफरादियत है जो मैंने स्टेज पे बैठ के मुशाहिदा किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके बारे में, वो ये है कि कुंजे कफस की इस तकरीब रूनमाई में फवाद साहब के साथ जो लोग बंद थे, कैद में थे, वो भी बैठे हैं यहाँ पे। ये अय्याज सादिक साहब हैं, शाहिद हकान अब्बासी साहब हैं, साद रफीक साहब हैं। वैसे साद रफीक साहब ने भी 2006 में जब मुशर्रफ के दौर में ये कैद हुए थे तो इन्होंने भी कुछ शेर व शायरी की थी, पता नहीं इनका दीवान कब आएगा, लेकिन इनसे पहले फवाद साहब का आ गया। तो यहाँ पे फवाद साहब के जेल फेलोज भी मौजूद हैं, और जिन लोगों ने इनको कैद किया था, सयाद, रिटायर्ड सयाद भी मौजूद हैं और हाजिर सरबत सयाद भी मौजूद हैं। ये मेरा इशारा ये इधर है, ये जो वर्दी वाले सयाद है ना, लेकिन कुछ सयाद सामने भी बैठे हुए। तो ये सयाद जो हैं, ये अगर उस वक्त फवाद साहब का साथ देते जब ये 16 महीने की जेल काट रहे थे तो शायद वो कुछ महीने कम हो जाते, लेकिन चले अभी ये उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह के सब ने सलाल हसन के नाम जो नज़्म है उसका जिक्र किया है, तो इन्होंने तो किया तशरीह, मैं करूँगा आपके साथ डायरेक्ट बात। सलाल जो है वो इनके बेटे का नाम है, और ये नाम जो है ये बलोच नाम है, और ये नाम था नवाब अकबर बुगटी के उस बेटे का नाम था, सबसे छोटा बेटा जिसको शहीद कर दिया गया था। तो जब फवाद हसन फवाद का बेटा पैदा हुआ तो इनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में थी, तो इन्होंने अकबर बुगटी का जो शहीद हो गया था बेटा सलाल, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। और ये सिर्फ फवाद हसन फवाद जो है इस नज़्म में अपने बेटे से मुखातिब नहीं है, ये अकबर बुगटी शहीद भी अपने शहीद बेटे सलाल से मुखातिब है। और ये जो फवाद साहब की किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि इनको पाकिस्तान से तो मोहब्बत है ही, लेकिन इनको बलूचिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से भी बहुत मोहब्बत है। इनकी जो किताब है
उसमें मेरी भी एक तहरीर इन्होंने शामिल की है किताब में। तो जब इन्होंने मुझे कुछ 6-7 महीने पहले किताब का मुसवदा भिजवाया तो मैंने वो किताब एक रात में पढ़ डाली। तो इनका तकाजा था कि कुछ लिखे इसके लिए। मैं जब लिखने बैठा तो मैंने कहा कि चलो कोई एक वाक्या है वो मैं इसमें लिख देता हूँ, पता नहीं ये छापेंगे नहीं छापेंगे। अब वाक्या इन्होंने वो किताब में छाप दिया। इस ये जो किताब है इसमें वो वाक्या मौजूद है। वो वाक्या है क्या? वाक्या ये है कि जब ये जेल में थे, कुंजे कफस में थे और ये वहाँ पे शायरी किया करते थे, तो इनकी एक नज़्म जो है वो किसी तरीके से साद रफीक साहब ने स्मगल करके मुझे भिजवा दी। और वो इनकी जो नज़्म है वो मैंने अपने कॉलम में छाप दी। मेरा कॉलम अखबार में छप गया। तो उसी शाम को मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बुलाया, घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया GHQ में। और उन्होंने जो है वो फवाद हसन फवाद पे गुफ्तगू शुरू कर दी। और मुझे थोड़ा सा पहले पता था कि ये उनके साथ इनकी शनासाई है। तो वो अब ये गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हमने पता करा लिया है फवाद हसन फवाद पे जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया और हमने देख लिया है। तो जब वो मुसलसल बोलते रहे फवाद साहब के बारे में तो मैंने थोड़ी सी जिसारत की। मैंने कहा जनाब एक बात आपसे पूछनी थी। कहते पूछिए। मैंने कहा जी हमने तो यही जी अब मेरे ख्याल शुरू हो गया अमीर साहब जी। चले आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। अच्छा तो मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने तो यही सुना है कि ये नैब तो आपके कंट्रोल में है, ये तो नैब का इदारा भी एक फौजी डिक्टेटर ने कायम किया था और इसका तो कंट्रोल भी आपके पास है और जो इसका इस वक्त चेयरमैन है ये तो मैं जानता हूँ, इसको तो लेके भी आप आए हैं। बज़ाहिर आपने इस्तेमाल जो है वो मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को किया है लेकिन इसको तो जावेद इकबाल को तो आप लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसी बात नहीं। और फिर उन्होंने एक लंबी वजाहत की। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है बहुत मेहरबानी।